हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज का रेसिपी है लफड़ा। तो आप सोच रहे होंगे लफड़ा क्या है, तो भी चलिए देखते हैं लफड़ा क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बैंगन और 150 ग्राम मसूर का दाल लिया है, और 2 मीडियम साइज का प्याज और 1 मीडियम साइज का टमाटर कटिंग किया है, और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1.5 चम्मच है जीरा और धनिया पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला। और सबसे पहले हम बैंगन को कटिंग करेंगे। और सबसे पहले एक टिप्स मैं बता रही हूँ आपको, बैंगन को कटिंग करके इस पानी में डालना है। पानी में मैंने नमक डाला है ताकि बैंगन जो है काला नहीं पड़े। इस तरह से करने से बैंगन जो है काला नहीं पड़ता। आप कुछ भी बैंगन का बनाए, सब्जी बनाए या पकौड़ा बनाए या भाजी बनाए, तो इसी तरह से कटिंग करके आप ये नमक के पानी में बैंगन को रख सकते हैं। तो हमें इस तरह से पहले बैंगन को कटिंग कर लेना है, और बड़े बड़े साइज में कटिंग करना है। तो कुछ इस तरह से कटिंग करना है। नमक के पानी में हम बैंगन को रख देंगे। ये लफड़ा जो है हम कुकर में बनाएंगे, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, और इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता थोड़ा जल जाएगा, उसके बाद हम प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो प्याज यहाँ पे भुन गया है। अब इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे, और बैंगन को भी हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है। स्वाद अनुसार नमक हमें ऐड करना है। बैंगन जो है भून गया है। अब इसमें हम बारी बारी करके सभी मसालों को ऐड करेंगे। और टमाटर भी हमें इसमें ऐड करना है, और 2 से 3 मिनट मसाला को भूनने में टाइम लगेगा। तो अच्छे से भून गया है, और इसमें हम दाल, मसूर का दाल जो है, इसमें ऐड करेंगे। मैंने धोकर अच्छी तरह से ले लिया है, तभी इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, और 4 से 5 विसल इसमें देंगे। चार से पांच विसल देने के बाद मैंने उसे उतार लिया है, और इसे देख लेते हैं। तो ये बन गया बैंगन और मसूर का लफड़ा। तो इसी का नाम है लफड़ा।
और इसे गैस से उतारने के बाद हमें इस तरह से चला लेना है। चलाने से जो मसूर का दाल है और बैंगन है दोनों मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये हमारा लफड़ा रेडी होता है और थोड़ा धनिया पत्ती से हम गार्निश कर लेंगे। आई होप आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर से एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।